आ, लेस हो चुकी है कि कोई बीस लाख में गाड़ी नहीं आती एलोन मस्क टैक्स पर काफी ज्यादा छूट मांग रहे थे और इस तरह के और भी कुछ ऐसे स्टेप्स थे। इंडिया को उसमें काफी चीजें कबूल नहीं थी यही वजह हुआ जो इतनी देर हुई लेकिन अब उसका फैसला हो गया जबकि नरेंद्र मोदी साहब और एलोन मस्क साहब मुलाकात हुई न्यू तो नहीं आ सकती सेकंड हैंड है। आ सकती है सारी कॉम मांगेगी जो हालात मुल्क के चल रहे हैं एक ही गाड़ी आ सकती है जी दोस्तों दोस्तों आप सभी का एक वीडियो में स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ बड़ बहुत बड़ी जो है वो मार्केट है और इसी वजह से पूरी दुनिया की कंपनीज भारत में अपना ट्रेड करना चाहती हैं में मैनुफैक्चरिंग करना चाहती है और अपनी गुड्स को भारत में बेचना चाहती है और दोस्तों इसी कड़ी में शामिल है एलोन मस्क की कंपनी एलोन मस्क की टस्ल जो है वो भारत में आके गाड़ियाँ बनाना चाहती है और यहाँ पे मार्केट को कब्जा करना चाहती है लेकिन यहाँ पे टैक्स इशू और काफी अन्य इशू होने के कारण एलोन मस्क को अपनी कंपनियां लगाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसके बाद से उन्होंने जो है पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की है कि इसको काफ़ी आसान किया जाए जिससे कि उनकी कंपनी यहाँ पर आ सके और दोस्तों इसी कड़ी में जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और इसी के साथ उन्होंने अन्य बातचीत भी की थी और ये कहा था कि हम जो है टेस्ला कंपनी को भारत में लाना चाहते हैं दोस्तों इससे पता चलता है कि किस प्रकार पूरी दुनिया की जरूर जो भारत बने हुए हैं भारत में ही जो पूरी दुनिया की कंपनीज जो है इन्वेस्ट करनी है और भारत की तरफ देख रही हैं अगर भारत किसी कंपनी के साथ काम बंद कर दे तो उस कमी

लेस uh, हो चुकी है कि कोई बीस लाख में गाड़ी नहीं आती इवन कि आप बीस लाख रुपया ले कर सेकेंड हैंड गाड़ी भी ढूंढने चले जाएँ तो वो भी नहीं आपको आएगी ब्रांड न्यू तो आप बहुत दूर की बात रखें सर कोई कंपनी तो हमें बीस लाख में ब्रांड न्यू गाड़ी देगी ना कोई एक कंपनी देखें यूनाइटेड ब्रावो या कुछ इस तरह से कंपनीज uh, uh, हैं जो कि uh, देती हैं गाड़ियाँ लेकिन वो गाड़ियाँ यूजलेस होती हैं आप उसको लेके कर दो तीन महीने बाद किसी ना किसी वर्कशॉप पे ही करी नजर आएंगे आपको यानी हमें बीस लाख में पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं मिल सकती नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकती ऐसा नहीं अगर यूज़ की तरफ जाते हैं तो यूज़ में कौन सी गाड़ी मिल जाएगी अच्छी अच्छा ऑल्टो भी नहीं मिलेगी हमें ब्रांड न्यू ऑल्टो नहीं ऑल्टो की प्राइस अब सब सबसे जो लोएस्ट है मॉडल है ऑल्टो साढ़े छः सौ सी है वो पच्चीस लाख रुपए की ऑल्टो भी एक साल ब्रांड नहीं हो अगर आप उसकी भी बात करते हैं उस पर भी ऑन है आपको ले, जब आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद आपको दो तीन मंथ वेट करना पड़ता है दैन आपको वो मिलती है तो मार्केट क्या तो आ, पाकिस्तान में गाड़ियों का तस्वर ही दूर है आप अगर लीज पे चले जाएं, इंटरेस्ट रेट इसका जर ज़्यादा हो चुका है कि कोई सैलरी होल्डर बंदा हो जाए या कोई आ, जैसे एक सैलरी होल्डर कोई पचास हजार सैलरी वाला पहले बैंक से कोई लीज पे गाड़ियाँ ले था, ले ले था था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट इतना होने के बावजूद या साठ हजार नहीं आती अगर आपको बीस लाख में पाकिस्तान में कोई न्यू कार हो, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे हाँ जी तो हाँ से मिलता है सब कुछ मिलता है वो बीस लाख में मुझे तो फ्राडी भी मिल सकती है वहाँ से जो तोशाखाना पे होगी वो तो सिंपली पाँच छः लाख में मिल जाएगी दो दो लाख में लोगों ने ली है अच्छा हाँ वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना वो खास लोग हैं आपको नहीं मिल सकती सॉरी टू से मेरा ख्याल है कि वो खास तो नहीं रहे जूतियाँ पढ़ने वाली हैं उनको कोई कह रहा है कि सामने है हम उनको जूतियाँ मारे खास तो उनको तो बंदा उठा के रखता है आप देख लें टिकटॉक पे क्या खास है ना अच्छा खैर मुझे वाकई में सीरियसली बताएं अगर आपको पाकिस्तान में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदनी हो लाख में आप कौन सी खरीदेंगे तो शाह के खजानों को छोड़ कर बताए नहीं, तो तो नहीं ब्रांड न्यू खरीद सकते मेहरान थी एक आ, वो वैसे बंद हो गई हुई है तो ब्रांड न्यू तो अभी तो कोई भी नहीं को पाकिस्तान कंपनी होगी तो वो अगर बनाएगी तो उसमें आ सकती है वरना तो सुजुकी ये बहुत पहुंच से बाहर है इसी के साथ जहाँ ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो पहुंचे यूएस और यूएस में वो फ्री पर वहां पर उन जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है उनकी कंपनी है ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ और वहां से फिर ये खबरें जो है ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिनिस्टर मिस्टर गोयल वहां पर यहाँ तक बात हुई है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो टेस्ला जनवरी में उसको इंडिया में जो फैक्ट्री आपको पता है ना कि ये खबरें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एलोन मस्क साहब की जब मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी साहब से अभी कुछ अर्सा पहले जब वो नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे तो उस वक्त यहाँ पर एलोन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी उस ख्वाहिश का इजहार किया था जो काफी अरसे से वो ये उनकी विश थी कि वो इंडिया में जो है वो उस वहां पर जाकर काम करें या इंडिया में जो है उनकी टेस्ला पहुंचे तो उसके लिए बहुत सी चीजें थी जिसमें एक तो ये था कि लोन मस्क टैक्स पर काफी ज्यादा छूट मांग रहे थे और इस तरह के और भी कुछ ऐसे स्टेप्स थे इंडिया को उसमें काफी चीजें काबिल कबूल नहीं थी यही वजह हुआ जो इतनी देर हुई लेकिन अब उसका फैसला हो गया जबकि नरेंद्र मोदी साहब और एलोन साहब में मुलाकात हुई उसके दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से मस्क की टेसला जो भारत में आने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सरकार से उन्होंने गुहार लगाई कि टैक्स को जो काफी ज्यादा आसान किया जा सके कि जिससे टेस्ला कंपनी यहाँ पर आ सके दोस्तों टेस्ला कंपनी भारत में मैन्युफेक्चरिंग करना चाहती है और भारत की मार्केट को पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है और उनको भी पता है कि भारत में ही उनकी काफी ज्यादा कास्ट बिक सकती है और

बॉक्स उसमें जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अमृत ने वीडियो के साथ तब तक थैंक यू एंड बाय